मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। थाने अपराध शाखा ने 15 विदेशी महिलाओं को उल्लास नगर सितारा लॉज से हिरासत में लिया है। विदेशी महिलाओं के पासपोर्ट अन्य कागज की जांच पड़ताल के बाद होगी कार्रवाई। लॉजिंग एंड बोर्डिंग के मैनेजर सहित 2 अन्य सहयोगियों के साथ 25 ग्राहकों को भी किया गया है गिरफ्तार। आपको बता दें कि थाने पुलिस की बड़ी कार्रवाई, थाईलैंड से वेश्या व्यवसाय के लिए लाई गई 15 लड़कियों को मुक्त करा के लॉजिंग एंड बोर्डिंग के मैनेजर समेत 4 कर्मचारियों को पुलिस ने हफ्ता विरोधी दस्ते ने गिरफ्तार कर लिया है। विदेश से लड़कियों की तस्करी करने वाले रैकेट की पुलिस जांच कर रही है। अपराध शाखा के सहायक आयुक्त शेखर बागड़े ने बताया है कि गुप्त जानकारी के आधार पर हफ्ता विरोधी दस्ते ने उल्लास नगर नंबर 3 के सितारा लॉजिंग एंड बोर्डिंग में रात 1 बजे छापा मारा। उक्त छापेमारी कार्रवाई के दौरान 15 लड़कियां मिली जो वेश्या व्यवसाय कराने के लिए थाईलैंड से लाई गई थी। पुलिस ने सितारा लॉजिंग एंड बोर्डिंग के मैनेजर कुलदीप उर्फ पंकज जयराज सिंह 37 वर्षीय समेत 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर 5,27,000 रुपये जब्त किए हैं। हफ्ता विरोधी दस्ते के पुलिस निरीक्षक नरेश पवार मामले की छानबीन कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर ACP शेखर बागड़े ने क्या कुछ जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। थाना पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत खंडनी विरोधी पथक के PSI श्री राठौड़ और API तारमाले और उनके स्टाफ को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि उल्लासनगर में कुछ बैंकॉक से 15 लड़कियां लाके कुछ प्रोसिक्यूशन का धंधा चालू है। तो उस तरह से वो तहकीकात करके कल रात को 1 बजे सितारा लॉजिंग एंड बोर्डिंग सेक्शन 17 उल्लासनगर में रेड किया। तो उधर टोटल 15 बैंकॉक से लाई हुई लड़कियां और 23 कस्टमर उधर मिले हैं। और खुल उधर के मैनेजर पंकज जयराम सिंह उसको हमने इंक्वायरी के लिए ताबे में लिया है और उसके साथ और 3 जो उधर के होटल में काम करने वाले लड़के उनको भी हमने इंक्वायरी के लिए ताबा में लिया है। अभी उनके पास से कैश कितना बरामद हुआ है? उनके पास से टोटल कुल 5,27,000 रुपये जब्त किए हैं और बाकी के और इंक्वायरी चालू है। जो पकड़ी गई लड़कियां हैं जो विदेशी हैं उनके पासपोर्ट उनके कागजात वगैरह की क्या जानकारी है? अभी उनको इंक्वायरी करना है ये बारे में PCR लेके उनकी इंक्वायरी करने वाले हैं हम लोग। ये पूरे मामले में मुख्य आरोपी कौन है? अभी मैनेजर को अटक किया है। मैनेजर के इंक्वायरी के बाद मुख्य आरोपी लॉज का मालक या ये लड़कियों को किसने लाया है ये सब इंक्वायरी में आ जाएगा। सर, प्रोस्टिट्यूशन के लिए जब महिला लाई गई तो कुछ अमाउंट उनका तय हुआ होगा क्या? कुछ अमाउंट की जानकारी आपको मालूम है? अभी तक इंक्वायरी बाकी है, इंक्वायरी के बाद ये सब कुछ मालूम पड़ेगा। लेकिन आप खंडनी द्वारा कार्रवाई की गई है, उल्लासनगर पुलिस वहाँ पे मौजूद है, तो क्या ये जानकारी उनको नहीं थी? आप यहाँ से उतने लंबा जाके कार्रवाई किया? अभी इंक्वायरी हमको जो इन्फॉर्मेशन मिला है उनको नहीं मिला होगा। हमको इन्फॉर्मेशन आए वो हिसाब से हमने कार्रवाई किया है। इससे पहले भी क्राइम मैनेजमेंट ने थाईलैंड की लड़कियाँ पकड़ा था, क्या उससे लिंक लगा? नहीं, ये अलग कार्रवाई है। अभी तक जाँच चालू है, आगे मालूम पड़ेगा क्या उनका लिंक है या नहीं है। और भी लड़कियां हो सकती, बस इतना 15 ही, खाली 15 ही लड़की मिला है इंक्वायरी में और आगे बढ़ते? नहीं, 15 ही लड़की है। और भी लड़कियां हो सकती क्या इससे संबंधित? नहीं, संबंधित वो बाहर से स्पेसिफिक 15 ही लड़की लाया है और वो पूरा होटल में ही रखा था उन्होंने।